So, दोस्तों अगर आपका बजट है 900 लेकर के 9,500 का, तो गाइस मैं आज आपको यहां पर बताने वाला हूं कुछ ऐसे फोन्स जहां पर गाइस आपको पावरफुल परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है, जहां पर गाइस आप इजीली मल्टीटास्किंग और हैवी गेमिंग दोस्तों बहुत आसानी से कर सकेंगे। साथ ही गाइस यहां पर आपको बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी और इसी के साथ में दोस्तों यहां पर आपको अच्छी डिस्प्ले और अच्छी कैमरा क्वालिटी भी देखने को मिलने वाली है। तो गाइस यार ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि गाइस मैं यहां पर आपको कोई भी रैंकिंग नहीं बता रहा हूं। दोस्तों अगर आपका बजट 10 या 11,000 का दोस्तों, तो उसके ऊपर हमने पहले ही वीडियो अपलोड की हुई है दोस्तों, तो आप यहां पर उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। लिंक दोस्तों आपको यहां पर आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइस आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी जाकर के जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही गाइस यार हमें सपोर्ट करना ना भूलें, चैनल को जैसे सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन को जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि दोस्तों आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए तो शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और आप देख रहे हैं गैजेट न्यूज हिंदी। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर गाइस यार रियलमी की तरफ से रियलमी नार्जो 20A की। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है यहाँ पर आपको डिजाइन और लुक भी काफी अच्छा देखने को मिलता है। साथ ही गाइस बैक में फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट दिया गया है। और दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर इस फोन के मेन फीचर्स की, तो गाइस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है 6.5 इंच की HD+ की IPS LCD डिस्प्ले, जहां पर गाइस आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। और गाइस यहाँ पर आपको डिस्प्ले क्वालिटी भी बहुत ज्यादा कमाल की दी गई है, क्योंकि गाइस यहाँ पर आपको कलर्स, ब्राइटनेस और व्यूविंग एंगल्स बहुत अच्छे देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर कैमरा की गाइस, तो बैक में यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेंसर देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर मेन कैमरा है 12 मेगापिक्सल का, 2 का मैक्रो और 2 का यहाँ पर आपको डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा। और साथ ही गाइस अगर बात करें सेल्फी की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर भी देखने को मिल जाता है। और गाइस अगर आपको 8,500 की प्राइस पर एक बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन चाहिए दोस्तों, तो गाइस आप यहाँ पर इस फोन को जरूर से देख सकते हैं, क्योंकि गाइस यहाँ पर आपको इमेज क्वालिटी बहुत अच्छी देखने को मिल जाएगी। चलिए दोस्तों बात करते हैं बैटरी बैकअप गाइस, तो यहाँ पर आपको दी गई 5,000 mAh की बड़ी बैटरी, जहाँ पर आपको गाइस काफी अच्छा बैकअप देखने को मिल जाएगा, क्योंकि गाइस यहाँ पर आपको देखने को मिलता है Qualcomm Snapdragon 665 का प्रोसेसर, जो कि गाइस 11 नैनोमीटर बेस्ड टेक्नोलॉजी पर काम करता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको काफी अच्छी पावर एफिशिएंसी के साथ में दोस्तों काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर गाइस आप काफी अच्छी हैवी गेमिंग भी कर सकते हैं, साथ ही दोस्तों मल्टीटास्किंग और डे टू डे टास्क में आपको यहाँ पर कोई भी परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। चलिए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर यूजर इंटरफेस की गाइस, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एंड्रॉइड 10 बेस्ड रियलमी UI 1.0। हालांकि दोस्तों यहाँ पर आपको काफी जल्दी अपडेट भी देखने को मिलने वाला है रियलमी UI 2.0 का। साथ ही गाइस यहाँ पर आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स भी देखने को मिल जाएंगे। गाइस ये जो स्मार्टफोन है अंदर से चलाने में आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस भी देगा। और गाइस अगर बात करें यहाँ पर रैम और स्टोरेज की दोस्तों, तो यहाँ पर आपको मिलती है 3 GB रैम, 32 GB की इनबिल्ट मेमोरी, जिसे आप एक्सपेंड भी कर पाएंगे 256 GB तक। और गाइस ये जो स्मार्टफोन है ये आपको 8,500 की प्राइस पर मिल जाएगा, जहाँ पर गाइस आपको बैटरी बैकअप, परफॉर्मेंस और कैमरा दोस्तों बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है। गाइस देखा जाए तो यार ओवरऑल काफी अच्छा फोन है रियलमी की तरफ से 8,500 की बजट में। तो दोस्तों अगर आप इस फोन में इंटरेस्टेड है गाइस, तो आप यहाँ पर इस फोन को चेकआउट कर सकते हैं। या फिर गाइस अगला फोन भी है यहाँ पर रियलमी की तरफ से रियलमी नार्जो 30A, जो कि दोस्तों आपको मिलता है 9,000 रुपए की प्राइस पर। यहाँ पर गाइस आपको बहुत ही डिफरेंट और काफी अलग सा लुक देखने को मिल जाएगा इस फोन का। गाइस यार इसका जो डिजाइन है मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आया है। और साथ ही दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर इस फोन के मेन फीचर्स की गाइस, तो यहाँ पर आपको मिलती है 6.5 इंचेस की HD+ रिजोल्यूशन वाली डिस्प्ले, जहाँ पर गाइस आपको डिस्प्ले क्वालिटी बहुत अच्छी दी गई है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें कैमरा की, गाइस बैक में यहाँ पर आपको सिर्फ डबल कैमरा सेंसर देखने को मिलते हैं, जहाँ पर मेन कैमरा है 13 मेगापिक्सल का और 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा। अभी गाइस अगर बात करें यहाँ पर सेल्फी की दोस्तों, तो यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जहाँ पर दोस्तों अगर बात करें इमेज क्वालिटी गाइस, तो प्राइस के हिसाब से यहाँ पर भी आपको इमेज क्वालिटी बहुत अच्छी देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ में दोस्तों चलिए बात करते हैं यहाँ पर बैटरी बैकअप गाइस, तो यहाँ पर आपको देखने को जाती है 6,000 mAh की मैसिव बैटरी, जहाँ पर आपको 18 वाट की फास्ट चार्जिंग और USB Type-C की पोर्ट देखने को मिल जाएगी, क्योंकि गाइस सर इस फोन का एक प्लस पॉइंट है। और साथ ही दोस्तों अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की दोस्तों, तो यहाँ पर यार आपको बहुत ज्यादा कमाल की परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है दोस्तों। अगर आप एक गेमर हैं या फिर मल्टीटास्किंग और हैवी गेमिंग के लिए स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं 9,000 की बजट में, तो गाइस यहाँ पर आपको मीडियाटेक हीरो G85 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि गाइस 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर काम करता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको मल्टीटास्किंग के साथ में दोस्तों हैवी गेमिंग का भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। गाइस यहाँ पर आपको मिलती थी 3 GB रैम, 32 GB की इनबिल्ट मेमोरी, जिसे आप एक्सपेंड भी कर पाएंगे 256 GB तक। और दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर यूजर इंटरफेस की दोस्तों, तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है एंड्रॉइड 10 बेस्ड रियलमी UI 1.0, जो कि गाइस बहुत जल्द अपग्रेड होने वाला है रियलमी UI 2.0 पर। और साथ ही गाइस यहाँ पर आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स भी देखने को मिल जाएंगे रियलमी की तरफ से। तो दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है 9,000 की प्राइस पर यार काफी कमाल का फोन है, जहाँ पर गाइस आपको काफी कमाल की परफॉर्मेंस मिल जाएगी, कमाल की बैटरी है, साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको डिजाइन भी बहुत ज्यादा कमाल का देखने को मिल जाता है। तो गाइस अगर आपको ये तीनों चीजें पसंद है गाइस, तो आप यहाँ पर इस फोन को जरूर से देख सकते हैं।
दोस्तों अगर आप सैमसंग का कोई स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं इस बजट के अंदर गाइस, तो आप सैमसंग M02S को यहां पर चेकआउट कर सकते हैं, जो कि आपको मिल जाएगा 9000 की प्राइस पर, जहां पर अपनी 3GB रैम, 32GB की इनबिल्ट मेमोरी और जिसे गाइस आप एक्सपांड भी कर पाएंगे 1TB तक। तो दोस्तों ये स्मार्टफोन है यार, यहाँ पर काफी अच्छी स्टोरेज देखने को मिल जा रही है एक्सपेंडेबल की। साथ ही दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर इस फोन की गाइस, तो यहाँ पर आपको 6.5 इंच की HD+ रिजोल्यूशन वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। साथ ही गाइस बैक में यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेंसर दिए गए, जहाँ पर मेन कैमरा है 13 मेगापिक्सल का, 5 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर सेल्फी कैमरा दिया गया, जहाँ पर आपको इमेज क्वालिटी भी काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। गाइस अगर बात करें बैटरी बैकअप की, तो यहाँ पर आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी, गाइस डेली वर्क के लिए यहाँ पर आपको काफी अच्छा प्रोसेसर भी दिया गया है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 450 का। तो दोस्तों डे टू डे टास्क में यहाँ पर आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी मिल जाएगी, और अगर आप अगर सैमसंग का स्मार्टफोन लेना चाहते हो दोस्तों इस बजट के अंदर, तो गाइस आप यहाँ पर इस फोन को जरूर से देख सकते हैं। तो गाइस अगला जो स्मार्टफोन है वो है रेडमी की तरफ से, रेडमी 9 प्राइम। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है ये 10,000 की प्राइस पर लॉन्च हुआ था, लेकिन गाइस अब इसकी जो प्राइस है वो है 9,500 रुपये। तो गाइस अगर आप 500 रुपये और बढ़ा सकते हैं, तो गाइस तो आप यहाँ पर रेडमी 9 प्राइम को चेकआउट कर सकते हैं, जो कि दोस्तों यार इस प्राइस पर काफी बढ़िया फोन है रेडमी की तरफ से। चलिए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर इस फोन की गाइस, तो यहाँ पर आपको डिजाइन और लुक भी काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा। बैक में फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट दिया गया है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको मिलती है 4GB रैम, 64GB की इनबिल्ट मेमोरी, जिसे आप एक्सपेंड भी कर पाएंगे 512GB तक। साथ ही दोस्तों चलिए बात करते हैं यहाँ पर इस फोन की मेन फीचर्स की। गाइस यहाँ पर आपको मिल जाएगी 6.5 इंच की फुल HD+ रिजोल्यूशन वाली डिस्प्ले, जो कि दोस्तों एक बहुत अच्छी बात है। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पर कैमरा की, तो बैक में यहाँ पर आपको 4 कैमरा सेंसर देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर मेन कैमरा है 13 मेगापिक्सल का और 8 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको इमेज क्वालिटी भी काफी अच्छी दी गई है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर आपको 18 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ में दोस्तों यहाँ पर आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी देखने को मिल जाएगी। गाइस यहाँ पर आपको मीडियाटेक हेलियो G80 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों काफी कमाल का प्रोसेसर है। और साथ ही गाइस यहाँ पर आपको मल्टीटास्किंग और हैवी गेमिंग का भी काफी अच्छा आप यहाँ पर आनंद उठा सकते हैं। इसी के साथ में दोस्तों यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 10 बेस MIUI 12 का अपडेट देखने को मिल जाता है, जहाँ पर गाइस आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस अगर आपको एक फुल HD+ रिजोल्यूशन वाला स्मार्टफोन चाहिए गाइस, तो आप यहाँ पर Redmi 9 Prime को जरूर से देख सकते हैं। सो दोस्तों ये थी हमारी तरफ से कुछ बेस्ट स्मार्टफोन्स की लिस्ट। ये लिस्ट आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बता सकते हैं। साथ ही दोस्तों यार लाइक और शेयर करना ना भूले, और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।